हेलो फ्रेंड्स, आजकल के टाइम में बच्चों से कोई भी काम करवाना बहुत ही टेढ़ी खीर है। बट अगर हम अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ी सी ट्रिक लगाएं तो हम उनसे कोई भी काम बहुत ही इजीली करवा सकते हैं। जैसे कि मार्केट से अलग कुछ यूनिक सी कैंडी, बिस्किट, स्नैक्स जो कहीं उन्होंने किसी के पास देखे नहीं हो, सिर्फ वही उसको खा सकते हैं, ऐसा कुछ बना के दे सकें जिससे वो अपने फ्रेंड्स में थोड़ा प्राउडली कह सके कि ये उन्होंने खाया है, उनकी मॉम ने बनाया है। वो उस चीज़ के लिए फटाफट रेडी हो जाते हैं, स्पेशली जब उनके फ्रेंड्स उनसे तारीफ करते हैं कि वाओ ये तो बहुत प्रिटी है, यम्मी है, डिलीशियस है, मेरे लिए भी लेके आना। इस तरह से वो बहुत प्राउडली फील करते हैं और फटाफट से फिर तो वो आपके फ़ैन हो जाते हैं। और फिर आप उनको अपनी उंगलियों पर नचाइए, जो मर्ज़ी वो काम करवाइए, और बदले में उनको ये 4-5 मिनट के फनी से कुछ भी बना के उनको दे दीजिए, बस वो हैप्पी। जैसे कि मेरे पास ये कुछ बॉइल्ड आलू पड़े थे, उसमें मैंने चावल काटा, ऑरेगानो, चिली फ्लेक्स, नमक डाला और बैटर बना के कोन में भर के इस तरह से आइसक्रीम स्टिक पे रोल आउट करके फ्राई कर दिया। यूनिक प्रेजेंटेशन, जो भी देखेगा वो बोलेगा वाओ ये क्या है, न्यू रेसिपी। सेकेंड ट्रिक है, सबके घर में बिस्किट तो होते ही है, उनको मेल्टेड चॉकलेट से इस तरह से डेकोरेट कर दीजिए, जैम्स लगा दीजिए, और अगर को कलरफुल चाहिए तो वाइट चॉकलेट में फूड कलर मिला लीजिए, इस तरह से डिज़ाइन बनाइए, हो गया कुछ डिफरेंट यूनिक सा और बच्चे भी हैप्पी। तीसरा आइडिया, आजकल अमेज़ॉन वगैरह पे डिज़ाइनर मोल्ड्स मिलते हैं, वो ले लीजिए, उसमें इस तरह से आटे का डो मीट कुकीज़ वाला बना लीजिए, इसके बीच में एक डिज़ाइनर कुकी जैम लगा के रख दीजिए, इस तरह से बेक कर दीजिए, एक नई कुकी बन गई, देखने में भी ब्यूटीफुल। बच्चों के आजकल जो किंडर जॉय हैं उनके शेप्स में ले लीजिए, अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो वाइट चॉकलेट में कलर मिला के इस तरह से डिज़ाइन बना लीजिए, बच्चे एकदम खुश, इससे भी अपने फ्रेंड्स में दिखाएंगे, वो सब कहेंगे तुमने कहाँ से लिया, वो कहेंगे मेरी मम्मा ने बनाया, बस शुरू हो जाएगी मम्मा मम्मा आपकी, फिर आप जो बोलोगी वो करेंगे फटाफट से। या आप इस तरह से डिज़ाइन बना लीजिए, कुछ भी क्रिएटिविटी करिए और को कुछ अलग यूनिक सा प्रेजेंट करके दीजिए, जिससे वो अपने फ्रेंड सर्कल में थोड़ा सा प्राउड फील करें कि यह सिर्फ मेरे ही पास है और उनके किसी फ्रेंड के पास नहीं है, तभी वो लोग एकदम जो आप बोलोगे वो मानेंगे। आजकल बच्चे बिल्कुल भी हेल्दी फूड तो खाते नहीं हैं, इस तरह से आप खजूर में कुछ भी नट्स ऐड करिए और उसको फिर मेल्टेड चॉकलेट से कवर कर दीजिए, वो भी खाएंगे फिर वो। और ये बिस्कुट तो हर किसी के घर में होता है, उस पर इस तरह से शेप्स बना दीजिए, यूनिक प्रेजेंटेशन हो गई, बस वो हैप्पी। अगर आपके पास कोन नहीं है तो आप प्लास्टिक का इस तरह से कोई भी पन्नी लेके बना लीजिए, और इस तरह से डिज़ाइनर क्रीम निकलेगी और डिज़ाइंस बन जाएंगे तरह तरह के, ये देखिए। इस तरह से फ्रेंड्स, आप जितने ज़्यादा फोर्स करेंगे, जितने ज़्यादा कट्स लगाएंगी, उतने ही अलग अलग शेप्स बनेंगे। इस तरह से ये मैं आपको 4-5 डिज़ाइंस दिखा रही हूँ, आपको जो पसंद आए वो आप ट्राई कीजिए, बिना किसी पैसे के खर्चा के इजी यूनिक से डिज़ाइंस है, जिन्हें हर कोई देख के वाओ बोलेगा। हो गया ना कितने ब्यूटीफुल डिज़ाइन। कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट होता है उस पर इस तरह से वाइट क्रीम लगा दीजिए, फिर इस पर दूसरे कलर की एक क्रीम का डिज़ाइन बना दीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए, इस तरह से मिक्स डिज़ाइन बन जाएगा, ये ड्राई हो जाए फ्रिज में सेट कर दीजिए, इसको नई कुकी है एकदम। किसी को क्या पता अंदर सिंपल डाइजेस्टिव वाला बिस्किट है। ये स्ट्रॉबेरी पे क्रिसमस डेकोरेशन ट्री बन गया हमारा। आजकल तो स्कूलों में क्रिसमस सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है, ओरियो की आप आइसक्रीम बना दीजिए, क्रश करिए और ओरियो उसमें दूध ऐड करिए, कस्टर्ड पाउडर डाल के इस तरह से आइसक्रीम स्टिक डालिए, आइसक्रीम रेडी हो गई, उसको फिर आप डेकोरेट कर दीजिए। कुछ भी फ्रेंड्स आप इस तरह से
डेकोरेट कर दीजिए, बस एक नया डिज़ाइन हो जाना चाहिए जो उन्होंने कहीं पे किसी के पास देखा ना हो। बस इसी चीज़ से बच्चों को मतलब होता है और फिर वो हैप्पी हैं। उनके फ्रेंड्स थोड़ा और बोल दें तो बस फिर तो क्या ही बात है। ये देखिए, आप इस तरह से फूड कलर ऐड करके सेंटा क्लॉज बना दीजिए। क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, मार्केट में तो ऐसे कहीं मिलेंगे नहीं जब वो स्कूल में टिफ़िन में लेके जाएंगे। तो बस वाओ, सेंटा क्लॉज है ये तो। या तो आप इस तरह से सिंपल सी राउंड सी बॉल बनाइए, आटे में एक में थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर दीजिए, इस तरह से टोटो ट्वाइस बना दीजिए। या आपके पास तो एक थिक सी प्लास्टिक ले लीजिए, उसको इस तरह से रोल आउट कर लीजिए, ऊपर से सेलो टेप लगा के इस तरह से डिज़ाइन बना दीजिए। ये कटर का काम करेगा, इस तरह से रोल कर लीजिए बड़ा सा, उस पर फिर इस तरह से कटिंग करके शेप बना दीजिए। इसके ऊपर आप फिर जैम लगाइए, जो मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है ऑरेंज जैम बनाना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। या फिर आप इस पे चॉकलेट लगा दीजिए, ऊपर से कवर कर दीजिए इस तरह से। ये कॉर्नफ्लेक्स से आप इस तरह नट्स लगा दीजिए, फिर ऊपर से चॉकलेट से गार्निश कर दीजिए। एक से एक यूनिक प्रेजेंटेशन आप तैयार कर सकती हैं बस चुटकियों में। थोड़ा सा क्रिएटिव होइए और बच्चों को अपनी उंगलियों पे नचाइए, बट ये नहीं कि उनको सर पर चढ़ा लीजिए। डिसिप्लिन में रखिए, पढ़ाई को वैल्यू दीजिए। बच्चे तो क्या जाते हैं, हर समय टीवी देखते रहें, मोबाइल गेम खेलते रहें, बट इससे तो भविष्य नहीं होगा ना सेट। इसके लिए आपको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ी ट्रिक्स आजमानी पड़ेगी। लाड़ दुलार ममता के साथ है, जिससे वो आपकी हर बात माने फटाफट से। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।